हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने ज्योग्राफी स्टार्ट किया था, उसमें हमने 7 कंट्री के बारे में पढ़ा था कि कौन सी 7 कंट्रीज जो है वो इंडिया के साथ अपने बॉर्डर शेयर करते हैं। उसमें से 2 कंट्री के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया था, एक थी पाकिस्तान और एक था चाइना। दोनों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट कंट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो है नेपाल। ठीक है, जिसने भी अभी तक मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर नहीं किया है वो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कि नेपाल जो है वो कैसी कंट्री है, कितने किलोमीटर तक की बाउंड्री इंडिया के साथ शेयर करती है, जो हमारे कंट्री के साथ जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, कौन से कंट्री के साथ में अपना बॉर्डर शेयर करती है। चलिए देखते हैं। नेपाल जो है वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड कंट्री का मतलब क्या होता है कि चारों तरफ क्या होता है, लैंड होता है। जैसे कि नेपाल यहाँ पर है तो ऊपर उसके चाइना है, बाजू में उत्तराखंड है, नीचे यूपी और बिहार है और बाजू में सिक्किम है। तो चारों तरफ क्या है, लैंड से ये लॉक्ड है ना, तो इसी को कहा जाता है लैंडलॉक्ड। ठीक है, जो नेपाल है वो एक बफर स्टेट है। बफर स्टेट का मतलब क्या होता है, दो दुश्मनों के बीच में जो कंट्री होती है उसे बफर स्टेट कहा जाता है। जैसे कि जो नेपाल है वो चाइना और भारत के बीच एक कंट्री है। ठीक है, तो चाइना और भारत का इतना अच्छा संबंध तो नहीं है, तो दो दुश्मनों के बीच में जो कंट्री होती है उसे कहा जाता है बफर स्टेट। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, कौन से कंट्री के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, स्टेट के साथ में बाउंड्री शेयर करते हैं, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, ये जो 5 स्टेट है उसके साथ में क्या करता है, अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। इसके बाद कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो 1751 किलोमीटर तक नेपाल जो है वो फैला हुआ है। और भारत और नेपाल का जो है वो ओपन रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, ओपन रिलेशन है। ओपन रिलेशन होने की वजह से नेपाल जाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नो नीड ऑफ पासपोर्ट। क्यों पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ भारत और नेपाल के साथ ओपन रिलेशनशिप है, इसलिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो नेपाल है वो एक हिंदू कंट्री है, जबकि जो इंडिया है वो सेकुलर कंट्री है। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट कंट्री है भूटान। भूटान भी एक बफर स्टेट है और एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। दोनों को मैंने लास्ट टॉपिक में ही एक्सप्लेन कर दिया है, राइट। बफर स्टेट कौन से स्टेट होता है, जो दो दुश्मन देशों के बीच में जो कंट्री होती है उसे कहा जाता है बफर स्टेट। और लैंडलॉक किसे कहा जाता है, जिसके चारों तरफ क्या होता है, लैंड होता है, उसे कहा जाता है लैंडलॉक कंट्री। और जो भूटान है वो कौन से स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। और कितने किलोमीटर तक की बाउंड्री शेयर करता है, 699 किलोमीटर तक की बाउंड्री शेयर करता है। तो ये था भूटान के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बांग्लादेश के बारे में। नेक्स्ट कंट्री है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है 1971 तक इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था, उसके बाद 1971 में उसको इंडिया से अलग कर दिया गया। जो बांग्लादेश है वो वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और कितनी लंबी है उसकी बाउंड्री, 4096 किलोमीटर तक की बाउंड्री शेयर करता है, जो सबसे लंबी बाउंड्री है। पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, सबसे लंबी बाउंड्री जो शेयर करता है वो है बांग्लादेश। ये क्वेश्चंस बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, सीटेट एग्जाम्स में आए हुए हैं कि कौन सी कंट्री सबसे लंबी बॉर्डर लाइन शेयर करती है, तो उसका आंसर क्या आएगा, बांग्लादेश। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो कितना किलोमीटर तक के लिए बाउंड्री लाइन शेयर करती है, 4096 किलोमीटर तक की बाउंड्री शेयर करती है। ठीक है, नेक्स्ट।
सिक्स वन है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है वो 106 किलोमीटर तक की बाउंड्री शेयर करता है, जो कि सबसे कम किलोमीटर की बाउंड्री जो है वो शेयर करता है। और इस बाउंड्री को क्या कहा जाता है, जो बाउंड्री लाइन है उसको कहा जाता है डुरंड लाइन। कौन सी लाइन कहा जाती है, डुरंड लाइन कहा जाता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन है म्यांमार। और जो अफगानिस्तान है वो कौन से स्टेट के साथ में अपना बाउंड्री शेयर करता है, तो आंसर क्या आएगा, जम्मू एंड कश्मीर के साथ अपनी बाउंड्री जो है वो शेयर करता है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर ओनली वन ही स्टेट है जिसके साथ अपना बाउंड्री वो शेयर करता है। नेक्स्ट है म्यांमार। म्यांमार का जो पुराना नाम था ये क्या था, बर्मा नाम था, ओल्ड नेम क्या था, बर्मा। अपनी बाउंड्री लाइन किसके किसके साथ से शेयर करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। ये चार स्टेट के साथ अपना बाउंड्री लाइन शेयर करता है म्यांमार। और कितने किलोमीटर तक की बाउंड्री लाइन शेयर करता है, तो 1643 किलोमीटर की बाउंड्री लाइन शेयर करता है, 1643 किलोमीटर की बाउंड्री लाइन शेयर करता है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो ये जो सेवन कंट्रीज जो हैं जो हमारे इंडिया के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, वो टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो आई होप आपने पूरा वीडियो देखा होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। Keep safe, keep happy.